जो धर्म की रक्षा करता है, सनातन को सुरक्षित रखता है, सनातन को डुबाता नहीं है, वो कभी जो है हारने वाला नहीं है, वो जो है अजर अमर है। उसकी विजय हरदम हुई है और आज भी होगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। मोदी जी की जो सरकार जब तक रहेगी तभी तक यहाँ रामराज रहेगा, हमारा ये अनुमान है। क्यों कि मैं 75 से ऊपर मेरी उम्र हो गई, जब से होश संभाली वोट डालने लगे हम, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं इछावर ज़िले में और इस समय हम अलीपुर गांव में मौजूद हैं। ये आदिवासी इलाका है, हम यहां से गुजर रहे थे तो महंत जी यहां पे बैठे हुए थे, बाबा जी के साथ कुछ यहां पे ग्रामवासी भी बैठे हुए थे, वो चाय पे चर्चा कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसका लोकसभा चुनाव को लेकर यहीं का मूड पता किया जाए, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा गाँव का यहाँ पर ये धर्म स्थान है यहाँ पर, और लगभग 100 से ज़्यादा गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं, पूजन करते हैं। तो बाबा जी से ही पूछते हैं, नाम क्या है आपका? हमारा हनुमंत दास है। अब ये बताइए, ये पीठ कब से कितना पुराना है? ये तो प्राचीन स्थान है, ये इसको कोई नहीं बता पाता कब से जी। अब ये बताइए, आप तो कई लोगों को सुनते होंगे, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपके यहाँ से? देखिए, ऐसा है कि माहौल जो है, जो सनातन धर्म को डुबाता नहीं है, डुबा नहीं रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, तो जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म ही रक्षा करता है, तो धर्म का आनंद होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये है। अब ये बताइए, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस है, आपको क्या लगता है क्या यहाँ माहौल? वही जो मैं बता दिया, जो धर्म की रक्षा करता है, सनातन को सुरक्षित रखता है, सनातन को डुबाता नहीं है, वो कभी जो है हारने वाला नहीं है, वो जो है अजर अमर है। उसकी विजय हरदम हुई है और आज भी होगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बस इतने हमारे पास है और क्या, हम तो कहीं जाते नहीं, यहीं बैठे रहता हूँ। अब ये बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, राम मंदिर बनाए लगभग 500 सालों बाद, कैसा अनुभूति है? वो तो उसका जो है नहीं बता सकते कि कितना बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि ये करीब करीब 5000 वर्ष से ऐसे जो है टापरी में थे, अब आज उनका महल में हो गए, अब इससे बड़ा आनंद क्या हो जाएगा? तो बहुत महान आनंद हुआ, इसका हम तुलना नहीं कर सकते जी। आप तो खुद यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी भक्त हैं प्रभु श्री राम के, उनका मंदिर बन गया तो अनुभूति और अच्छी होगी। ऐसा है कि वो उनके पास सब कुछ है, वही सब कुछ करते हैं, है ना। ये है, यहाँ हम जंगल में हूँ, हमें कहीं जाने नहीं देते हैं और पूरी आनंद दे रहे हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूर्ति कर देते, हमारी इच्छा यही कि आनंद होता रहे, तो आनंद देते रहते हैं। साल में कम से कम 4-5 भंडारा करते हैं, वही करते हैं, हम नहीं करते हैं। यज्ञ भी यहाँ हर वर्ष होती है, ये 5वां वर्ष है यज्ञ होने जा रहा है, तो इस जंगल में यही हमारे साथ हैं और यही सब करते हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है, तो हम आनंद से आनंद ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कुछ गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नाथूराम। अब ये बताइए, क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री का, शिवराज सिंह चौहान जी 6वीं बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा? मोदी जी की जो सरकार जब तक रहेगी तभी तक यहाँ रामराज रहेगा, हमारा ये अनुमान है। क्यों कि मैं 75 से ऊपर मेरी उम्र हो गई, जब से होश संभाली वोट डालने लगे हम, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी साहब। धर्म से लगा के, जनता से लगा के, जीव जंतु तक अच्छे अवेयर कर रहे हैं इस वक्त, मेरी नज़र में कोई परेशानी नहीं है। शिवराज जी के 18 साल का कार्यकाल कैसा रहा? शिवराज जी का भी इतना अच्छा रहा
की रोड, बिजली और पानी की तो अब भगवान के हाथ में है, कहीं है और कहीं नहीं है, लेकिन प्रयास चल रहा है कि पानी हमें मिलेगा। हम आशा करके तो बैठे हैं, आगे उनकी, अब वो तो राजा साहब हैं साहब, जो उनकी इच्छा, लेकिन आशा है कि पानी हमें मिलेगा। कुछ योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं आपके इस इलाके में? हाँ मिल रहा है ना, मिल रहा है। सोसाइटी से भी किसान को फायदा है, क्यों, केसीसी देते हैं बगैर ब्याज, 12 महीना वह भरते हैं, 6 महीना में पलटी हो जाती है। खाद देते हैं, खाद भी समय पे मिलता है। थोड़े दिन पहले कांग्रेस की सरकार में घुड़ा में पड़ा हुआ इंजन हमें चालू करना पड़ा था। अच्छा। लाइट तो थी लेकिन चिमनी कहीं बलती थी। अच्छा। आज उनने अटल ज्योति भी कर दी। और सबसे अच्छी बात तो यह है, देश में स्वच्छता है इस वक्त। अच्छा। मेरी नज़र में एक दो बार और भी आप जैसे प्रश्न आए मेरे सामने, मैंने एक बार क्वेश्चन रखा था, हमारे गांव में आए थे कि ये बताओ कि ऐसी बात बताओ जो आपके दिमाग की, तो मेरे दिमाग में आई थी कि साहब हमारे गांव में क्या इस संसार में यदि ये गली होन में जो है इनकी स्वच्छता हो जाए तो गांव में मच्छर को रोग खत्म। आज मैंने आँख से देख लिया, जगह जगह पाइप डाल रहा है, गंदो पानी बाहर निकाल रहा, और क्या चाहें साहब, करेंगे तो दो हाथ से वही पेट में जाएगा। लेकिन जनता सुखी मेरी नजर में है। कांग्रेस के समय क्या हालात थे? उस वक्त लाइट की कमी थी, रोड होने था, अब यहाँ कालियादेव पे हम आते पैदल आते, कोई साइकिल से आता, कोई की गाड़ी माड़ी आती तो वहीं उधर रोड पे खड़ी करी आता, यहाँ निकलने की जगह नहीं थी। ये जो स्थान है, मैं लगभग 12-13 साल की उम्र से आता हूँ यहाँ। हमारे गांव के बुजुर्ग जो आते थे स्नान करने, दो ही अम्मा उस पे हम आते थे, पैदल आते थे। यहाँ से मेरा गांव लगभग 25 किलोमीटर से ऊपर है। इतने दूर दूर से लोग आते हैं। इतनी दूर मेरा गांव है शिकारपुर, और जो आप बोले ये इछावर जिला नहीं है, इछावर तहसील, सीहोर जिला अलीपुर कालियालेव इस नाम से है। आप जो बोल गए थे इछावर जिला नहीं है, अच्छा, तहसील है, सीहोर जिला, इछावर तहसील, गांव अलीपुर, कालियादेव स्थान। अब ये बताइए इस स्थान की महत्ता आप बताइए और क्या क्या काम होने चाहिए यहाँ जो सरकार को करने? यदि सरकार यहाँ ध्यान दे तो अच्छा बगीचा बन जाए। आजकल जंगल के पेड़ तो बचने नहीं लगे, तो यहाँ अच्छी जगह है, नदी किनारा है, पानी है, बढ़िया पार्क बन जाए, फेंसिंग हो जाए। और ये थोड़ा सा घाट में जो दिक्कत आती है, प्रशासन बहुत परेशान रहते हैं साहब, यहाँ कम से कम 50 पुलिस अफसर, हमारे बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, ये सब उनकी परेशानी खत्म हो जाए। यदि नहाने धोने का बढ़िया जाली सी लग जाए, अच्छी व्यवस्था हो जाए, कोई कभी आओ नहाओ धो, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन को परेशानी नहीं उठाना पड़े, बस और क्या। एक पुल की जरूरत है इन लोगों को, ये आदिवासी क्षेत्र है, बहुत अच्छा लगाव है, बहुत जनता है यहाँ साहब, ये बच्चों से करो आप बात, बहुत जनता है इधर, तो यहाँ एक यदि पुल बन जाए तो ये गरीब लोग उनका भी और हाँ। और हम तो ऐसा चाहें कि अभी यह गाया है 25 अप्रैल से 21 से 25, तो मेरा निवेदन है आप सबका यहाँ निमंत्रण है, हम अभी आपको पंपलेट देंगे, और मेरा तो निवेदन है कि शिवराज भैया भी एक बार, मामा जी आ जाए तो क्या बात है, बहुत जनता रहती है साहब। पिछले साल यहाँ 7-8 हज़ार आदमी थे आखिरी पूर्ण आहुति में। नाम क्या आपका? मैं तो रामेश्वर धाकर। अब ये बताइए चुनाव आ रहा है, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी और प्रताप भानु शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, किसका माहौल है आपके आदिवासी इलाके में? आदिवासी में क्या बताऊँ मैं आपको, आपको खुद को मालूम है, अब वो तो दोनों बराबर ही हैं अभी तो। अच्छा, दोनों बराबर हैं, फिर भी पल्ला किसका भारी है? अभी पल्ला शिवराज जी का भारी है। अच्छा, काम किया मामा जी ने? अब काम तो किया, अब क्या बताएं, काम यही काम है। क्या क्या काम किया? ये काम पे क्या, अब यही है जो कर दिया उनने वही सही है, लाडली बहना है, सम्मान निधि है, यही है काम और क्या। अच्छा, कांग्रेस कुछ काम नहीं किया? कांग्रेस को कहाँ कर रहे हो काम, अभी कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो वोट किसको जाएगा आपका? अब वोट तो उनको ही जाएगा। अच्छा, मामा जी को? हाँ, मामा जी को ही जाएगा। और
मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? अब मोदी जी का क्या बताएं, मोदी जी बढ़िया है और क्या। मतलब आदिवासी खुश है मोदी जी? आदिवासी खुश है। नमस्कार, मेरे पीछे देख सकते हैं हम इस समय अलीपुर में हैं और पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है जिसकी आस्था लगभग 100 से 150 से ज़्यादा आदिवासी गांवों में इसकी मान्यता है। और पीछे मेरे देख सकते हैं अत्यंत खूबसूरत ये नज़ारा आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से एक प्राचीन यहाँ पर पूरा कुंड बना हुआ है और यहाँ पर बरसात के समय में काफ़ी अच्छा यहाँ पे सुहाना पूरा दृश्य हो जाता है। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ी है, पूरा आदिवासी इलाका है और जब यहाँ पर मेला लगता है तो उस मेले में लगभग 20 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर आदिवासी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ कुछ सुविधाओं का अपेक्षा है, आप पीछे देख सकते हैं अभी कुछ सुविधाएँ यहाँ पर दिख नहीं रही हैं, तो सरकार से यहाँ के जो लोग हैं हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो जो लोग हैं वो इनके बारे में बताएंगे। ये क्या मतलब ये किस लिए पर्यटन का क्या है यहाँ के ये ग्राम अलीपुर कालियादेव और यहाँ कालियादेव के नाम से काली गैया यहाँ स्थान करती थी और इस ये कालियादेव जो है बहुत 500 वर्ष से पहले के ही इससे हमने देखा पर लेकिन यहाँ मान्य हुआ देव है और ये कालियादेव नाम से जानते हैं और यहाँ मेला लगता है अमास भूतड़ी अमास पे, वहाँ पूरे 20-25 हज़ार लोग आते हैं, नहाते हैं और पानी में बह भी जाते हैं कुछ लोग, हाँ इसी कुंड में गिरते हैं भी हैं और मर भी जाते हैं। और यहाँ यह समस्या है थोड़ा सा कि पानी बारिश में एक स्थान अच्छा नहाने धोने के लिए वो बन जाए बाउंड्री वगैरह और अच्छा बाउंड्री वगैरह हो जाए। ये तो काफ़ी खूबसूरत लगता होगा जब बरसात का मौसम आ जाता है। हाँ हाँ, वो झरना पानी गिरता है और पानी गिरता है तो बहुत बारिश में अच्छा लगता है और उसे कालियादेव का नाम से जाने जाते हैं इसको। ये कितना गहरा होगा? ये गहरा मतलब जो खटिया की जो बूंदे हैं जो वो पतली रस्सी है वो पूरी डूब जाती जब भी पानी का छेव नहीं आता है। अच्छा। उत्ता पानी है, इसकी गहराई का पता नहीं है। किसी को पता नहीं है। कितने पर्यटक आते हैं यहाँ आदिवासी इसी क्षेत्र? इसी क्षेत्र में 15-30 हज़ार जनता जो आती है और ये अमास भूतड़ी अमास पे आती है और यहाँ मेला लगता है। तो कितने गाँव की आस्था है इस मंदिर में और इस कुंड में? ये इस गाँव में कम से कम मतलब जो मान्या हुआ है उसका कारण यह है कि जो भी भूतड़ी अमास पे जो नहाते हैं नहाने के लिए आते हैं, यहाँ बड़वा भी घूमते हैं जो जानिया लोग, वह एक हज़ार से महिला देवी देवता हूँ भी यहाँ आते हैं भूतड़ी अमास पे और नहाने के लिए आते हैं और फिर यहाँ देव है जो ठंडा होते हैं यहाँ के जगह। तो शिवराज जी से क्या अपील करेंगे वो अभी आपके यहाँ से सांसद अगर बन जाते हैं? शिवराज सिंह चौहान मामा से ये अपील करेंगे कि यहाँ जो है इस धरना को ध्यान दिया जाए और बाउंड्री भी खींचे जाए और नहाने धोने के लिए और अच्छा धार्मिक बनाया जाए। ठीक।